नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सरोजा एप्रन गर्ल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ किचन टिप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे की किचन टिप्स, किस तरीके से हम फूले फूले आलू के पराठे एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए टिप है कि जब हम आलू बॉयल करते हैं तो वो कभी कभी गीले लगते हैं, हमें चिपचिपे से बनते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ले ली है 2 चम्मच बेसन और इसको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, ताकि आलू के अंदर जो मॉइस्चर है वो बेसन सोक कर ले, या फिर आप उसकी जगह पे पोहा ले सकते हैं, इस तरीके का जो पोहा आता है जिसे चिवड़ा भी बोलते हैं, या फिर आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं आलू का मॉइस्चर कम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन को मैं कर रही हूँ लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट, और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पे बेसन भुन गया है, इसका हल्का कलर भी चेंज हो गया है। इसको हम बॉयल किए हुए आलू के अंदर बेसन, भुने हुए बेसन को मिक्स कर देंगे और बस अब वही मसाले जो हम अपने आलू के पराठे में यूज करते हैं वो ऐड करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है आमचूर पाउडर और 1 चम्मच डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, हरा धनिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं आलू के पराठे के लिए। और अब सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मिक्सचर की इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। और आटा जो है वो एकदम सॉफ्ट गूंदना है हमें पराठे के लिए। आटा जितना सॉफ्ट होगा पराठे उतने ही अच्छे से बेलने में भी आसान रहेंगे और बिल्कुल फूले फूले पराठे बनते हैं। और अब देखिए इसको इस तरीके से हम बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए कहीं से भी फटे नहीं है, कोई मिक्सचर बाहर नहीं है, अच्छे से मैंने इसको रोल कर लिया है पराठे को। और अब हम इसको सेक लेंगे। तो एक साइड से पराठा सिक गया है तो इसको पलट देंगे और अब इस पे घी या बटर लगाएं। जिस तरीके से आप पराठे बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन इस तरीके से इस टिप का यूज़ करके जब आप आलू के पराठे बनाएंगे तो कहीं से भी आपके आलू के पराठे फटेंगे नहीं, आलू का मिक्सचर निकलेगा नहीं, और इस तरह से बैलून की तरह फूले फूले आलू के सॉफ्ट पराठे आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप फटाफट से आलू के पराठे बना सकते हैं, बिल्कुल झंझट नहीं लगेगा आपको। और आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से हमारे पराठे एकदम फूले फूले बने हैं। और अब है मेरी दूसरी टिप कि कई लोगों को शाम के टाइम जब दूध लेते हैं तो उनको दूध पचने में तकलीफ होती है, दूध जो है उनको थोड़ा भारीपन लगता है दूध पीने के बाद। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 ग्लास दूध के अंदर 1 चम्मच आप सौंफ डाल लें, और सौंफ डालने के बाद दूध को आप अच्छे से 3 से 4 बार अच्छे से बॉयल आने दें, ताकि सौंफ का जो फ्लेवर है वो दूध के अंदर चला जाए। आप चाहें तो साबुत सौंफ की जगह पे सौंफ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अब देखिए दूध में बॉयल आ रहा है तो फ्लेम को हम कम कर देंगे और फिर से बॉयल आने देंगे। तो इसी तरीके से 3-4 बॉयल आएंगे, 3-4 बॉयल हमें दूध में लाने हैं। और अब आप चाहें तो इसे छान करके भी पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे सौंफ के साथ भी इस दूध को पी सकते हैं। तो इस टिप को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध पीने के बाद थोड़ा भारीपन लगता है, हजम नहीं हो पाता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। और तीसरी टिप यहाँ पर मेरी है, और तीसरी टिप है यहाँ पर, उसमें मैं ले रही हूँ 4 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें अजवाइन, और 1 चम्मच डाला है कलौंजी, और 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है साबुत धनिया। अब इन सभी चीज़ों के मिक्स को हम एक डब्बे के अंदर डाल करके रख लेंगे। और अब हमें इस मिक्स का क्या करना है कि जब भी हम सब्जी बनाएं तो तड़का लगाने के लिए हम इस तरीके से 5 चीज़ें मिलाकर अगर तड़का लगाएंगे तो सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनती है। और अब मेरी नेक्स्ट टिप है कि हमारे घर में बर्तन जो हम यूज करते हैं तो लगातार हम उन्हें यूज करते हैं तो हमारे बर्तन इस तरीके से जले जले से हो जाते हैं, बहुत ही जिद्दी दाग पड़ जाते हैं उनके ऊपर, और वो किसी तरीके से भी हटते नहीं हैं, और हमें समस्या हो जाती है कि हम इन्हें किस तरीके से क्लीन करें घर पर ही आसानी से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप जिद्दी से जिद्दी इस तरीके की जली हुई
कढ़ाई या पैन को आप घर पर ही आसानी से एकदम आसान तरीके से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि गैस को ऑन कर लेना है और गैस के ऊपर मैंने रख दिया है ये जला हुआ पैन। और अब पैन रखने के बाद हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से हमें गर्म कर लेना है कि जितना भी इस पे जला हुआ तेल और जितनी भी इसके ऊपर गंदगी है वो गर्म करने से। तो इस तरीके से पहले हम पैन को घुमाते हुए एकदम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो आप जिस तरीके से वीडियो में देख पा रहे हैं फ्लेम को हाई रखना है और बिल्कुल सावधानी से इस तरीके से हम पैन को घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से गर्म कर लेना है इसको बिल्कुल, ताकि जो ये गंदगी इस पे जमी हुई है ये एकदम अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और पैन को यहाँ पे मैंने बिल्कुल गर्म कर लिया है। अब लिया है मैंने एक चाकू और बिल्कुल सावधानी से इस तरीके से रब करें। बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये क्लीन हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आसानी से ये क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि हमने इसको एकदम अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था। और गरम करने से क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं और जितना भी इस पे जिद्दीपन, ये जितने भी इस पे जले हुए मसाले और तेल लगा हुआ है वो एकदम से सॉफ्ट हो गया है और वो उतरने लगा है। तो इस तरीके से इसको हम रब करते हुए ही सारे को साफ़ कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, घर पर ही आप ज़्यादा गंदगी पकड़ गए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जल गए हैं उनको आप साफ़ कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको बर्तन धोने वाला जो डिशवॉश होता है उससे क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। अगर इस तरीके से अभी भी आपका थोड़ा बहुत साफ़ नहीं हो पाया है बर्तन, तो आप इसको फिर से गर्म करके और फिर दोबारा से इसको आप इसी तरीके से साफ़ करें। तो ये देखिए अब मैंने इसको डिशवॉश से साफ़ कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है इसमें। और अब लेंगे हम एक किचन टॉवल, कोई भी सूखा कपड़ा ले लें और उससे इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद क्लीन होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने और इसको मैं सूती कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और अब ये लीजिए बिल्कुल हमारा पैन एकदम साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से आप नॉनस्टिक पैन, कढ़ाई बिल्कुल ईजी तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप अपने घर के बर्तनों को साफ़ करें। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम बनाने वाले हैं लहसुन हरी मिर्च की बहुत ही मज़ेदार चटनी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है खूब सारा लहसुन और लिया है खूब सारी हरी मिर्च, अदरक, उसके बाद मैंने डाला है नमकीन सेब जिसे गथिया भी बोलते हैं वो चटनी में यूज होती है वही मैंने डाली है। और इसके बाद मैंने इसमें डाला दही, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और डाल दिया है आमचूर पाउडर और इसके साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 कप पानी और सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से हमें पीस करके तैयार करना है। लीजिए यहाँ पे हमारी लहसुन और हरी मिर्च की बिल्कुल चटाकेदार, एकदम चटपटी, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन करके तैयार है। और नींबू डालने से इसका कलर भी एकदम बढ़िया ग्रीन आया है। तो ये ट्रिप, तो आप भी इस ट्रिक से चटनी बना के देखिएगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।